It was a great movie. मुझे मूवी अच्छी लगी, बहुत लंबी पिक्चर है, बहुत बहुत अच्छी लगी, पिक्चर एवरेज लगी। आपको जो मूवी कैसी लगी? बहुत अच्छी है, एज एक्सपेक्टेड। नागराज मंजू जो डायरेक्टर है, हमेशा न्यू मूवीज क्रिएट करते हैं, एंड अमिताभ बच्चन वॉज अ चेरी ऑन टॉप। लाइक बहुत अच्छे से उन्होंने दिखाया है कि कैसा डिस्क्रिमिनेशन होता है और कैसा बिहेव हमको करना चाहिए। सो इट वॉज अ ग्रेट मूवी। लाइक यंगस्टर्स के लिए भी ये बहुत अच्छा मैसेज है कि एक कोई भी एक्टिविटी आपको कोई भी चीज़ से, अगर वो बुरी चीज़ें उससे दूर कर सकती है। सो इट वॉज अ गुड मूवी, एंजॉयबल था, मज़ा आया देखने के लिए। स्टोरी लाइन कैसी लगी आपको? स्टोरी लाइन वॉज गुड, आगे भी देखने की और इच्छा है, अगर उसका सेकंड पार्ट आता है कि और क्या हो सकता है उसके अंदर। मुझे मूवी अच्छी लगी, बहुत ही रॉ है, बहुत ही रियलिस्टिक है और बहुत ही रिलेटेबल है। और नागराज मंजुली की इससे पहले हमने फैंड्री देखी थी और सैराट देखी थी, तो मराठी मूवीज ही बनाते हैं। मूवी अच्छी है लेकिन बहुत लंबी है, आई थिंक एडिटिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए था उन्हें। जो इसके एडिटर से कुतुब और वैभव ने, उनको यही कहूँगा कि बहुत लंबी, इतने रैंडम सीन्स डाले हैं। मूवी अच्छी थी, एंटरटेनिंग है, लेकिन म्यूज़िक भी बहुत एवरेज है। अमिताभ बच्चन के बारे में तो क्या कहूँ, वो हमेशा ही बहुत ही एफर्टलेसली रोल करते हैं। लेकिन छाया कदम जैसे सीजनड एक्ट्रेस जिनको हमने वरण बात लोंचे में देखा था, उनको वेस्ट किया गया है। बहुत बहुत अच्छी लगी। पहले तो जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। इसमें निचले वर्गों को मतलब कैसे, किस तकलीफ़ों से जाते हैं वो दिखाया गया, सबसे बड़ी बात। और कैसे समाज उनको आगे नहीं बढ़ने देती है जस्ट बिकॉज कि उनका हिस्ट्री ख़राब है या फिर उन्होंने क्राइम किया हुआ है। तो यू नो, तो मुझे फिल्म में ये चीज़ अच्छी लगी कि उन्होंने पूरे इन सारी चीज़ों को दिखाया, मैचेस नहीं दिखाए ज़्यादातर, कि उन्होंने वो विदेश में जाके उन्होंने मैचेस जीते, क्या किए वगैरह। क्योंकि मुझे लगता है इस फिल्म का मेन मोटिव था हाउ टू बिल्ड कैरेक्टर, हाउ टू बिल्ड अ टीम, मैनेजमेंट लेसन्स थी ये। अमिताभ बच्चन जी तो लाइक देर इज नो पॉइंट, यू कैन नॉट लाइक हिम, ही इज़ तो देर, वो तो हमारे जहन में बस चुका है। अगर वो बुरी भी एक्टिंग करे, वील फाइंड इट रियली ऑसम। लेकिन वहाँ पे ना एक बच्चा था जिसके, जैसे मेरा ग्रीन है उसका रेड था, है माय गॉड, हिज डायलॉग डिलीवरी, हिज टाइमिंग इज सो फैबुलस। मुझे तो बोरिंग लगी पिक्चर, क्योंकि सबसे बड़ी बहुत लंबी पिक्चर है, 3 घंटे के ऊपर है, तो ऑडियंस इतना टाइम वेट नहीं कर सकते हैं आज के टाइम जमाने में। किसका परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा अच्छा था इस फिल्म में? इसमें क्या है, जो कैरेक्टर जो सब है ना, उसमें बहुत कन्फ्यूजन है, उसमें कुछ जो बैकग्राउंड उनका कुछ डिटेल में नहीं दिखाया है, इसके लिए समझ में नहीं आ रहा है क्या चीज़ है। इसमें सबसे बड़ा अच्छा है गाने, गाने अच्छे हैं। और आपको कौन सा गाना पसंद आया इस मूवी में? लात मार, और टाइटल सॉन्ग जो है वो भी अच्छा है। देखिए पिक्चर एवरेज लगी, बहुत सुपर डुपर नहीं लगी। मतलब इस मूवी में बताया ये गया है कि नीचे तबके के लोगों को ऊपर ले जाने के लिए अगर प्रयत्न किया जाए तो वो पॉसिबल है, लेकिन प्रयत्न करने वाला बहुत ही मतलब उम्दा काम करता है और वो करके भी दिखाता है। अमिताभ बच्चन बहुत सालों बाद अभी स्क्रीन में आए, तो उनका एक क्रेज भी है, उनकी एक्टिंग भी बहुत ज़बरदस्त है, और इन्होंने इसमें बहुत अच्छा रोल किया है। बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी पिक्चर लगी, खासकर अमिताभ बच्चन जी का काम बहुत अच्छा लगा। और जितने भी झुग्गी झोपड़ी के बच्चों के रोल बता है, अच्छा लगा कि बिल्कुल एक्चुअल है, ऐसा कहीं से आर्टिफिशियल कहीं से नहीं लगा, बहुत अच्छी पिक्चर बनाई है। आपको सबसे ज़्यादा इस पूरे पिक्चर में किसका परफॉर्मेंस अच्छा लगा, अमिताभ बच्चन जी का या जो छोटे मोटे जो मेन कैरेक्टर थे? नहीं नहीं, अमिताभ बच्चन जी तो खैर उनकी बात ही कहीं नहीं, लेकिन उनके आगे जो छोटे छोटे बच्चे, नए नए बच्चे थे, उनका भी बहुत अच्छा रोल था, बहुत अच्छा काम किए बच्चों ने भी। यानी एक पिक्चर में एक सबक लेने लायक है कि अगर किसी को हेल्प किए तो आदमी कहाँ से कहाँ जा सकता है, ये एक इसमें एक सीखने वाली बात है। मुझे झुंड मूवी बहुत 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 अच्छी लगी, और ये मैंने बहुत अरसे बाद देखा है कि थिएटर में लोग, मैं भी, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर इतने भावुक हो गए और बीच बीच में तालियां बज रही थी, तो मुझे लगता है वही अपने आप में एक बहुत बड़ा जवाब है इस चीज़ का कि झुंड मूवी कैसी लगी है। बहुत ज़्यादा प्यारी फिल्म है। मुझे लगता है इस फिल्म को हमें स्टोरी से कई आगे बढ़कर देखना चाहिए, जहाँ पर इस फिल्म का उद्देश्य है कि हम ये एक दूसरे को बताएं कि हम सबके अंदर एक प्रतिभा है और हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, और कोई किसी से कम नहीं, भले हमारे बीच में कुछ सामाजिक दीवारें हो। मुझे लगता है इस
फिल्म को बनाने का बड़ा मकसद यह मैसेज पहुंचाना है लोगों के लिए। इस मूवी को कितना स्टार देना पसंद करेंगे? मैं इस मूवी को दूंगा 5 out of 5 स्टार। Obviously 5. So I'll give 3 stars. See, I always give 5 on 5. 2.5 या 3 5 स्टार देना चाहूंगा। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।